आज SGPI की तरफ से हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे एहतजाज कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है ये संघी टेररिज्म, संघ के जो टेररिस्ट हैं वो जिस तरह से आज जर्नलिज्म पे हमला कर रहे हैं, ये हमारे दो बहुत बड़े फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे जर्नलिस्ट को जिस तरह से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, यानी गवर्नमेंट जो है वो आम लोगों से, कॉमन पीपल से, छोटे छोटे चैनल चलाने वालों से इतनी डरी हुई है, और हमारे मुआशरे में रहने वाले एक्टिविस्ट से आज इतना डर लग रहा है मोदी जी आपको, इतने ज्यादा आप डरे कि आपने उनको फटाफट उठवा लिया और फटाफट उनको कहाँ भेज दिया ये भी पता नहीं चला। दो दिन के अंदर किसी भी अनआइडेंटिफाइड लोकेशन पे किसी को गिरफ्तार करके ले जाना, सबसे पहले तो यही गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और हमारे फंडामेंटल राइट्स इस तरह से वायलेट हो रहे हैं, ये हक गवर्नमेंट को किसने दे दिया है? इतनी मनमानी कर रहे हैं ये किसी को किसी के घर से कभी भी उठा लेते, हमें ये तक पता नहीं होता कि उठाने वाले कौन है। खाली खाकी रंग की वर्दी पहनना इस बात का सबूत नहीं है कि वो जो है लीगल और लॉ में रहने वाले लोग हैं, या वो किसी पुलिस की तरफ से आए हैं, या वो किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आए हैं। हमें क्या मालूम कि वो खाकी वर्दी पहनने वाले संघी टेररिस्ट जो किसी को अभी घर से उठा के ले जा रहे, क्यों? क्योंकि डर है। किस चीज का डर है? कि जुबैर जो है उनकी पोल खोल रहा था, जुबैर ने उनका पर्दाफाश कर दिया। टीस्ता, ये टीस्ता जो है एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट है, हम सैल्यूट करते हैं इनको, हम सलाम करते हैं इनकी बहादुरी को और इनके काम को। ये एक गुजरात कांड में क्या कहते हैं कि कोर्ट में दाखिल करने वाली एक पिटिशनर भी रही है टीस्ता। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्लीन चिट दे दी तो इनके सीने जो थे 56 और 60 और 62 के हो गए, कि इन्होंने जो फौरन उठाना शुरू कर दिया और पकड़ धकड़ शुरू कर दी। हम सख्त एहतजाज करते हैं, हम डिमांड करते हैं कि अनकंडीशनली इन लोगों को फौरन फौरन रिहा किया जाए। जुबैर को कहां रखा गया है? उसकी कोई FIR नहीं हुई है, किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई है, बस अंधाधुन अंधा कानून चल रहा है। तो गवर्नमेंट डरी हुई है, ये सोच के तो हमें बहुत खुशी हो रही कि चलो किसी से तो डरी, उनको पता तो चला कि उनका घड़ा भी भरेगा एक दिन, उनकी भी पोलें खुलेंगी एक दिन। मगर जिस तरीके से ये कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पावर का इतना बड़ा मिसयूज, आज आप देखिए जुबैर को अगर आप ट्विटर खोल लें, आप यूट्यूब खोलिए, फेसबुक खोलिए, उस आदमी के नाम पे एक जिसे कहते हैं समुंदर चला हुआ है उसके नाम का, कि आई स्टैंड विथ जुबैर, आई स्टैंड विथ तीस्ता, इसका एक समुंदर चला हुआ है। इससे ये भी पता चल जाता है कि कितने लोग हैं, कितनी बड़ी मेजोरिटी है जो इस बात को मानती है कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत है। ये सरासर डिक्टेटरशिप है, ये सरासर टायरनी है। तो आज हमारी SGPI की ये सख्त डिमांड है कि उनको फौरन फौरन रिहा किया जाए।